நமோ அரிஹந்தானம், நமோ சித்தானம், நமோ ஆயரியானம், நமோ வஜ்ஜாயானம், நமோ லோயே சவ்வ சாஹுணம். ஏசோ பஞ்சநமுக்காரோ சவ்வ பாவப்பணாசனோ மங்களானம் ச சௌவேசிம் பரமமஹவை மங்களம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமஃ சிவாய், ஓம் நமஃ சிவாய. ஜெய் சச்சிதானந்த், ஜெய் சச்சிதானந்த. சௌவீஸ் வாபண்ணா ஆனா நம்பர் 24. எக் மினிட், ஜும்மக ஜும் 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 ஜுமக ஜும் ஜும் ஜுமக ஜும் காவுதுன் ஜகத் கல்யாண கீதி சுன், ஜுமக ஜும் காவுதுன் ஜகத் கல்யாண கீதி சுன், சபி மிலகாவுதுன் பிரகட் தாதா கி பாணி சொன், ஹிருதய கே தார ஜோட கே ஔர் ஜோர் சே காவோ தாதா குண ரே, ஜோட கே ஔர் ஜோர் சே காவோ தாதா குண ரே. ஜூம ஜூம கே ஜூம ஜூம கே ஜூம ஜூம ஜூம் ஜூம் ஜூம கே சபி மிலகாவுதுன் பிரகட் தாதா கி வாணி சொன். பிராந்தி சே பகவான் ஹை கர்த்தா, ஹகீகத் மே குச் ஔர் ஹை, சன்யோகி பூராவா கர்த்தா, பாக்கி போலம் போல ஹை, வீணாசி சிஜ் புரண கலன் ஹை, அவிநாசி பகவான் ஹை, தர்மஸ்வரூப சம்சார லீலா ஹை, மர்மஸ்வரூப பகவான் ஹை, குதரதி ரச்சனா பூர்ண வ்யவஸ்தித் சம்ஜே வோ பகவான் ஹை, ஜூம ஜூம கே ஜூம ஜூம கே ஜூம ஜூம ஜூம் ஜூம் ஜூம ஜூம கே ஜூம ஜூம கே ஜூம ஜூம் ஜூம் சபி மிலகாவுதுன் பிரகட் தாதா கி பாணி சொன். நிச்சேதன சேதன காகேலா, சாபேக்ஷித சம்சார ஹை, ஞானி புருஷ தேதே சுத சேதன், நிரபேக்ஷித வஹ சார ஹை, சர்வஜ்ஞ கி பிரேம கிருபா சே
छुटते सब व्यवहार रे, जय सच्चिदानंद मिले तब सार्थक सब अवतार रे, कोटि जन्म के पुण्योदय से, कोटि जन्म के पुण्योदय से मिलते ही बेड़ा पार रे, झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 झूम, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, दुनिया के आंगन में आए परमात्मा साक्षात रे, सच्ची आजादी भीतर की सबको देते आप रे, सबको देते आप, सबको देते आप मरम संगम सुकून, शहीदी का सफल हो खून, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, जिसके केवल दर्शन मात्र से भस्म हुए सब पाप रे, आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे, केवल ज्ञान प्रकाश रे, जगत सिनेमा के हम सब है, अभिनेता स्थूल रूप रे, मिल जुल के पात्र मिला जो, जाने स्वरूप, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, कलयुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजकता है, स्थूल साधन भी सद उपयोगे, शुभ रंजन बन सकता है, बाल बूढ़े को मोह मुरचना सिनेमा से चढ़ती है, सामूहिक शिक्षा का साधन अच्छी फिल्म की शक्ति है, अपनी ही प्रकृति थिएटर जिसका प्रेक्षक आत्मा है, झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 झूम, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, सांस भी कभी तो बहुत ही ऐसे पात्र बदलते जीवन में, मात्र अवस्था रोज बदलती,
चंचल गुण अचेतन के, चंचल गुण अचेतन के, अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा, अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा, अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा, अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा, ज्ञाता द्रष्टा गुण रे, झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 झूम, झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम झूम, सभी मिल गाओ धुन, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, तीन घंटे का फिल्म दिखावा, फिल्म दुनिया भर में चलता है, किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष ही कहते हैं, कहते हैं ये परमात्मा मोक्ष प्रकाशक, व्यक्त स्वरूप भगवान है, जिनके ज्ञान से मोक्ष दान से आ ही गया सतयुग, जिनके ज्ञान से मोक्ष दान से आ ही गया सतयुग, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, प्रगट दादा की बानी सुन, जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, बोलिए कुछ फरमाइए आप, तो आगे बात करते हैं फिर। कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रतिक्रमण शास्त्रीय शब्द है, प्रतिक्रमण का मतलब ये होता है कि वापस आ जाओ, प्रतिक्रमण अतिक्रमण होने के दोष से प्रतिक्रमण वापस आ जाओ, ये उसके पीछे भाव है। पश्चाताप क्योंकि प्रतिक्रमण का बोलते हैं प्रतिक्रमण, लेकिन हकीकत में उसमें तीन कदम की भूमिका है, पहले आलोचना है, जिसे हम सिद्धार्थ दृष्टि से देखते हैं लूण सिंह जी को, तो आपको पता चलता है कि लूण सिंह जी से ऐसी गलती हुई, ये देखने की बात हो गई, यानी निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ यह भाग आया, यह कार्य आया। अभी आपने देख लिया, आपने जान लिया कि लूण सिंह जी से ये गलती हुई है, तो अब क्या करेंगे, तो हमें बताया है ऐसी गलती हो जाती है तो लूण सिंह जी से हमें पश्चाताप करवाना है, प्रतिक्रमण करवाना है, तो उसकी पहली भूमिका आलोचना की है, यानी जो दोष आपने देखा लूण सिंह जी में, वो लूण सिंह जी उसकी आलोचना करेंगे, किसे,
जिनसे ये दोष हुआ ना उनके शुद्धात्मा को याद करके, जैसे कि समझिए मुझसे वो दोष, मेरे साथ आपका दोष हुआ, तो आप क्या करेंगे? मेरे शुद्धात्मा को ध्यान में रखकर आप अपना दोष जाहिर करेंगे कि मेरा दोष मैं स्वीकार करता हूं, फिर उसका प्रतिक्रमण करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि ये दोष की मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। ये प्रतिक्रमण का भाग आया। और आगे तीसरी भूमिका पश्चाताप करते, अरे प्रत्याख्यान करते हैं, यानी हम दोबारा ऐसा न करें, ऐसा निश्चय करते, दादा भगवान आप मुझे शक्ति दो। तो इसे क्या होता है, आलोचना करने से आपने आपका दोष जाहिर किया, स्वीकार किया, जाहिर किया। पश्चाताप करने से हमारे मन में जो वो दोष करने की भावना है वो मिट जाती है, यानी मन शुद्ध होता है प्रतिक्रमण करने से। और जब हम तय करते कि दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, उसका मतलब ये होता है कि आपने अभी वो नहीं करने की कसम खाई। जैसे ऐसा है ना, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं, कोई ऐसा करेगा ना तो मैं ऐसा करूंगा, मैं मारूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, अगर ऐसा कुछ करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसी जो हमारी मान्यता है ना, हिंसा करने की, मारने की, दुख देने की, ख्याल में आया? तो अभी हम ये तय करते हैं कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो मान्यता मिट जाती है। यानी ये जो मारने का, दुख देने का भाव होता है ना, वो बंद हो जाता है। इसीलिए प्रत्याख्यान करना कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, दादा भगवान आप मुझे शक्ति दो, ख्याल में आया? तो ये पूरा वैज्ञानिक मार्गदर्शन वितराग भगवंतु ने किया है मनुष्य को मोक्ष जाने के लिए, सुखी होने के लिए। ये बात बहुत अच्छा है। और बोलिए, क्या बताए थे? वो बता रहे तो उन्होंने कहा थे वो थोड़ी अलग कर रही है। वो ये बता रहे थे कि मतलब व्यवहार पक्ष जो है, हाँ, वो व्यवहार पक्ष की तरफ अपने को, व्यवहार पक्ष से कोई लड़ा देना नहीं। बराबर है। फिर क्या बताया? ये बता रहे विज्ञान है वही वही सही साबित है, जबकि दादा भगवान ने तो ये बताया कि व्यवहार और ये क्या करते हैं। बात सही है, हमेशा जैसे जब भी कोई बात करते हैं ना, तो उनके बहुत सारे पहलू होते हैं। अभी देखो कि लून सिंह जी से गलती हो गई, बराबर है, तो हमारा एक क्या बोलते हैं, तुरंत ही ऐसा एक भाव होता है, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, बराबर है। अभी आप मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई करके अगर मुझे ऐसा होता है, महसूस करता हूं, तो फिर मैं प्रतिक्रमण कैसे कर पाऊंगा? ख्याल में आया? मैं ये भाव में ही मैं खो जाता हूं। ख्याल में आया? अभी उन्होंने कहा व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपनी सीट पर आके, मैं शुद्धात्मा हूं, लोन सिंह जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब आप शुद्धात्मा की सीट पर आ गए, यानी विज्ञान में आ गए। अभी विज्ञान क्या कहता है वो समझ लेते हैं। विज्ञान क्या कहता है
कि आपको ज्ञान मिला है ना, तो आपकी मुक्ति हो गया, को परमात्मा प्राप्त हो गए। अभी आप रहते हैं लूण सिंह जी के शरीर में, सही है? लोग क्या मानते हैं, आप लूण सिंह जी हो या नहीं हो? लोग क्या मानते हैं? लोग तो यही मानते हैं कि आप लूण सिंह जी ही हो। आपने समझ लिया कि वो व्यवहार है, व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं विज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, समझ में आया? लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि आप ही लूण सिंह जी हो। हाँ, तो अभी वो क्या बोले, बात सही है कि आपको व्यवहार से लेना देना नहीं है, यानी लूण सिंह जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि आप लूण सिंह जी हो। तभी लूण सिंह जी को कौन ठीक करेगा? भगवान को बोले आप ठीक कर दो ना, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके कोई मित्र है, कोई पड़ोस वाले, उनको बोलो कि लूण सिंह जी को ठीक कर दो ना, बोलो वो मेरे बस की बात क्या थोड़ी है, आप ही करो, ऐसा बोलेंगे, आप ही करो। इसीलिए हम विज्ञान स्वरूप की जागृति में शुद्धात्म की सीट पर बैठ कर दो काम करते हैं। एक काम जो प्रज्ञा शक्ति हमें दिखाती है लूण सिंह जी के दोष, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। देख लेना यानी पहचान कर ली कि ये लूण सिंह जी व्यवहार है, मेरे से अलग है और उनसे ये दोष हुआ, उनसे ये दोष हुआ। अभी लूण सिंह जी है व्यवस्थित के हाथ में, तो आप बोलो वो कैसे कर पाएंगे? इसीलिए क्या कहा, हम अंदर बैठे बैठे शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ लूण सिंह जी को सुधारते हैं, अंदर से अपनी अंतरात्मा दशा में बैठकर व्यवहार दृष्टि से मैं लूण सिंह जी से माफी मंगवाता हूं। करते तो लूण सिंह जी ही है, लेकिन मेरा हस्तक्षेप हुआ ना, वो व्यवस्थित को नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। व्यवस्थित के आधार पर तो लूण सिंह जी ने किया कार्य, लेकिन वो गलत हो गया। तो आपका हस्तक्षेप होता है, यानी अज्ञान में आपका हस्तक्षेप होता था, लेकिन वह हस्तक्षेप नेगेटिव था, वह हस्तक्षेप गलती लूण सिंह जी से होती थी, और क्योंकि आप अहंकार यानी अज्ञान के प्रभाव में लूण सिंह जी का रक्षण करते थे और दूसरों को दोषी देखते थे, तो उससे नया कर्म बनता था। ख्याल में आया, लोगों को दोषी देखने से नए कर्म बनते थे। अभी वो अहंकार चले गया, आप लूण सिंह जी नहीं हो, आप शुद्धात्मा हो गए, तो शुद्धात्मा होने पर शुद्धात्मा की सीट पर बैठकर शुद्धात्मा के प्रकाश में यानी प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में आप लूण सिंह जी के दोष देखते हैं। आपने जान लिया कि लूण सिंह जी ने ऐसा व्यवस्थित के दबाव से किया, लेकिन अभी वो व्यवहार वो व्यवस्थित ने क्यों करवाया, क्योंकि अज्ञान में वो दोष हुआ था। पिछले अवतार में अज्ञान में दोष होने के कारण आज लूण सिंह जी ने वही व्यवस्थित के माध्यम से किया, लेकिन वो गलत है। तो आपका हस्तक्षेप अंतरात्मा दशा में शुद्धात्मा सीट पर बैठ कर आप लूण सिंह जी को सुधारते हैं, प्रतिक्रमण करवा के उनको बुद्धि का प्रकाश उनको गलत करवाता है, अभी ज्ञान प्रकाश उनको सुधारता है। पक्का हो गया ये बात है? तो हमें यथार्थ आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान प्राप्त हुआ है, जिससे हम शुद्धात्मा की सीट के ऊपर बैठकर ये प्रतिक्रमण भाव से होता है। इसीलिए इसे कर्म नहीं बनता, लेकिन दोष मुक्ति होती है। जब अज्ञान है, मैं ही लूण सिंह जी हूँ और मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, वो प्रतिक्रमण के कर्ता होते हैं, इसीलिए वो पुण्य का कारण बनता है। लेकिन वो पुण्य का कारण बेकार नहीं जाता, ढेर सारी पुण्य इकट्ठे होती है तो हमको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, और ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद यही विज्ञान में आकर विमुक्त हो जाते हैं। ये बात है।
बहुत स्पष्ट विज्ञान दादा भगवान ने खुला किया है, जो वितरांग भगवंतों के हृदय में था, महावीर भगवान के हृदय में था, ऋषभदेव भगवान के हृदय में था, राम भगवान के हृदय में था, कृष्ण भगवान के हृदय में था। इतना इतनी स्पष्टता से खुला किया है कि जो इसका उपयोग करेंगे उनको बहुत लाभ होगा, वो मोक्ष मार्ग में प्रगति करेंगे, व्यवहार भी उनका सुधर जाएगा। ये बात थोड़ा अंदर बलगम आ गया है तो ये गोली मंगवाई थी, तो ये बात है, समझ में आ गया ना कि कैसे अगर मैं व्यवहार से अलग नहीं बैठता या पहचानता तो जो दोस्त लून सिंह जी से हुआ है उसी की असर में मैं खो जाता हूँ, फिर मैं प्रतिक्रमण नहीं कर पाता। लेकिन अलग हो गया हूँ तो शुद्धात्मा की सीट पर बैठकर शुद्धात्मा के ही प्रकाश से मैं लून सिंह जी का दोष यथार्थता से एग्जैक्टली देखता हूँ। सामने वाले जो बुद्धि दोषी दिखाती है, निर्दोष दिखाती, दोषी दिखाती है, ज्ञान प्रकाश सामने वाले जिन्होंने लून सिंह जी को परेशान किया वो शुद्धात्मा दृष्टि प्रज्ञा शक्ति उनको निर्दोष दिखाती है कि बोले लून सिंह जी आपकी गलती, इसलिए वो निमित्त बने आपके। तो ये समझदारी से सारा विश्व इस तरह से हम निर्दोष देख पाएंगे और केवल लून सिंह जी की ही गलती है, क्योंकि उनकी गलती के बगैर कोई निमित्त नहीं बन सकता। और निमित्त कौन बनाता है? व्यवस्थित शक्ति बनाता है, क्योंकि भगवान थोड़ी ऊपर से आके, हाँ बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह से ये विज्ञान को समझकर हमें प्रगति करनी है, यानी ये ज्ञान मिलने से हमारा मोक्ष हो चुका, हाँ तुम्हें मोक्ष दे दिया है, अभी ये लून सिंह जी नामक व्यवहार को हमें मुक्त करना है और हमारी जवाबदारी यही है, जिम्मेदारी यही है। तो इससे क्या होगा, अभी आप सोचो कि लून सिंह जी पक्के हो गए, बिल्कुल बोले दादा की दृष्टि में जैसे होने चाहिए, जैसे नौ कलम वाले, नौ कलम की कोई मर्यादा तोड़ते नहीं है, प्रात मन वचन का ऐसे किसी को भी दुख ना हो, केवल शुद्धात्मा अनुभव के सिवाय ये जगत की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसे हो गए तो अंदर से आप अलग है, मैं शुद्धात्मा हूँ, और लून सिंह जी ऐसे परम पवित्र हो गए कि उनको देखकर लोगों के भाव बदलेंगे, यानी लून सिंह जी से लोगों का कल्याण होगा, दादा का काम होगा, तो ये तो बहुत अच्छा है ये बात। इसीलिए हमारा लक्ष्य व्यवहार को शुद्ध करना है, मुक्त करना है, ये बात। आपका मोक्ष हो गया, अभी व्यवहार को मोक्ष करवाना है। हमारा पुरुषार्थ यह है, उसमें दो काम होता है कि लून सिंह जी शुद्ध भी होते हैं, मुक्त भी होते हैं, और मुक्त होते होते मार्ग में जो जो कोई उनसे मिलेंगे व्यवस्थित के हिसाब से ही उनका कल्याण होगा। क्योंकि हम नौ कलम में बोलते हैं ये जगत, ये जीव क्या बोले, हे शुद्धात्मा भगवान मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे। तो इस तरह से होता है, हमारा व्यवहार परिशुद्ध होता है और वो शुद्ध व्यवहार से, आदर्श व्यवहार से हमारा भी काम होता है और लोगों का भी काम होता है। वहाँ अज्ञान में हम भी कर्म बांधते हैं और लोगों को भी, क्योंकि हम लोगों के लिए गलत उदाहरण बनते हैं। पुण्य कमाने के लिए, जमा करने के लिए, हाँ हाँ सही है। अभी बात नहीं, बात सही है। हमेशा कई बात ऐसी है ना कि उनके जवाब में
अगर हमें और समाधान मिल जाता है तो उसका जवाब हमें काम में आता है, वरना हम एक तरफ ही हो जाते हैं कि वो पुण्य कमाना रहा ही नहीं। अभी हम समझते हैं, देखो उनकी बात 100% सही है। कैसे? ज्ञान मिलने से आपका अहंकार निकल गया। अभी अहंकार निकल जाने से आप ना पाप बांध सकते हैं ना पुण्य बांध सकते हो। कौन सा पाप पुण्य जो संसार में सुख दुख दे? क्योंकि अहंकार चले जाता है। ज्ञान मिलने पर अहंकार चले जाने से अभी आप संसार के पक्ष का सुख दुख प्राप्त करने के लिए या सुख दुख जिसे प्राप्त होता है ऐसे पुण्य पाप बंद हो गए, क्योंकि आपके लिए ज्ञान मिलने से पुण्याचार भी पुण्याचार पापाचार दोनों भ्रांति है, और आपको ज्ञान हो गया यानी वो भ्रांति से मुक्त हो गए। बराबर है? अभी ज्ञान मिलने पर आप शुद्धात्मा हो गए, लेकिन ये बाकी का व्यवहार को समाधान और पूरा करने के लिए हमको आज्ञा दी है। आप आज्ञा के कर्ता है। अंतरात्मा दशा में मैं शुद्धात्मा हूँ, लूण सिंह जी से मुक्त होकर अंतरात्मा बीच वाली स्थिति है, शुद्धात्मा और लूण सिंह जी के बीच की स्थिति, उसमें जब हम आज्ञा में रहते हैं तो वो पुण्य बनता है। लेकिन वो पुण्य कैसा बनता है कि जो हमें मोक्ष प्राप्त कराए उसे पाप पुण्यानुबंधी पुण्य बोलते हैं। ख्याल में आया? तो अंतरात्मा दशा में हम जागृतता से आज्ञा का पालन करने से जो पुण्य बनती है वो संसार के सुख दुख प्राप्त नहीं करवाता, यानी संसार की सुख नहीं देता है, लेकिन वो पुण्य हमें महाविधि क्षेत्र सिमरन स्वामी के पास ले जाती है। और वो पुण्य तो जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सीधा मोक्ष नहीं है, लेकिन यहाँ से महाविधि क्षेत्र जाने के लिए जो सामान चाहिए वो दादा ने आज्ञा के पालन में रख दिया है। तो हम जैसे आज्ञा पालन करते हैं तो वो पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य बोलते हैं वो इकट्ठा होती है, और हमें हम वहां जाके श्रीमंदर स्वामी प्रभु के दर्शन करके हमारी मुक्ति होगी। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा बताया दादा ने, इतनी स्पष्टता की अच्छी कि कोई दुविधा भी ना हो, खड़ी हो ना। बोलिए, बहुत अच्छा। व्यवहार को साथ रखा का मतलब क्या है? आपने बताया कि दादा ने व्यवहार को भी साथ रखा है। अब ये थोड़ा ले लीजिएगा ना माइक, ये माइक्रोफोन, क्योंकि आप बोलते हैं ना तो ये सुनाई देंगे, अंदर जाएगा। आप ऐसे ही बोलते हैं ना तो अंदर जाता नहीं है। आप ले लें ना, ये निकाल दो। हाँ बस बस बस, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो आप बोलेंगे ना तो ये देखो, ये बाहर जाता है ना। हाँ हाँ। इसे अंदर जाता है। अच्छा। लेकिन वो बाहर से नहीं जाता है। बहुत अच्छा। तो अब क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा था कि दादा ने व्यवहार पक्ष को साथ रखा। मैंने ये पूछा था कि दादा ने व्यवहार पक्ष को साथ रखा, इसीलिए कहा। हाँ। कि व्यवहार के बेसमेंट पर निश्चय है, व्यवहार के आधार पर निश्चय खड़ा है। उसका मतलब क्या हो गया? आपको ज्ञान मिला, निश्चय प्राप्त हो गया, लेकिन ये निश्चय जो प्राप्त होता है सामान्य क्रम मार्ग में, व्यवहार ठीक होने के बाद ये निश्चय प्राप्त होता है। इसीलिए बाहर यानी क्रम मार्ग में निश्चय प्राप्त जब होता है तब व्यवहार ठीक ही होता है। अच्छा। तो भी व्यवहार की गुंजाइश ही खड़ी नहीं होती है क्रम में,
क्योंकि व्यवहार का निपटारा करने के बाद ही आपको निश्चय प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर व्यवहार ऐसा ही रख कर कृपा से निश्चय प्राप्त हो जाता है, इसीलिए व्यवहार को प्राधान्य दिया है, महत्व दिया है। क्योंकि उसका उसकी सम बहुत अच्छी दी है दादा ने, बाहर क्या होता है, मंदिर बनाओ, भगवान को प्रतिष्ठापित करते हैं, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ख्याल में आया? बिल्कुल। अभी यहाँ पर मंदिर बना नहीं है, भगवान बने नहीं है, भगवान वो पत्थर जैसे सीधा शिला रख दी है, वो पत्थर को देखे कौन पूजा करेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा ओरिजिनल हुई है, ख्याल में आया? वो ज्ञानी पुरुष का योग बल से, ज्ञानी पुरुष की कृपा से हुई है, तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन है वो पत्थर ही अभी, अधूरा मंदिर है, तो अधूरा मंदिर वो पत्थर को देखे कौन पूजा करेगा, ख्याल में आया? इसके लिए अभी वो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, भगवान की गोदी में हमें बिठा दिया, गोद में बिठा दिया, और भगवान का सुख जागते, मैं आनंद सुख का धाम हूँ, परमानंद का हम क्या बोले स्वाद लेते हैं, और जैसे जैसे संयोग आते हैं तो हमें लूण सिंह जी की कमजोरी, व्यवहार की कमजोरी उजागर होती है, हमें पता चलती है अरे लूण सिंह जी में ये भी कमजोरी है, अरे वो भी कमजोरी है, लेकिन हम विचलित नहीं होते, शुद्धात्मा की सीट पर बैठकर, भगवान की गोद में बैठकर अभी व्यवहार को ठीक करते लूण सिंह जी के, बराबर, तो धीमे धीमे हो रहा है। बोल दादा ने बताया ये 2-3 अवतार में ये काम पूरा हो जाएगा, हमारी आज्ञा ऐसी है कि लूण सिंह जी का व्यवहार शुद्ध हो गया, आदर्श हो जाएगा, नौ कलम और आज्ञा के बल से। आदर्श का मतलब क्या है, शुद्ध का मतलब क्या है, आप उनसे अलग हो गए, और आदर्श का मतलब यह है कि लूण सिंह जी से किसी को भी दुख होता नहीं है, वो अभी काम चालू है, वो रास्ता बनता रहता है तो वो लगाते ना, क्या बोलते हैं, बोर्ड लगाते ना, बोर्ड लगाते हैं, काम चालू है करके, उसी तरह से हमारा काम चालू है, कोई बोलते कि हाँ भगवान भगवान बोलते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा, ठिकाना तो है नहीं, तो आपको बोलने को काम चालू है, काम चालू है, वो फिर आप हमें परेशान नहीं करेंगे, बराबर, काम पूरा होने के बाद आप बोलो, बोलेंगे ऐसा है। तो बड़ी अच्छी स्पष्टता की है दादा ने, और व्यवहार को इस तरह से प्राधान्य दे के, महत्व दे के, व्यवहार ठीक हो गया तो हमारा काम हो जाता है। और ये समय में मन वाणी काया की एकता न होने पर भी दादा ने जो धर्म ध्यान दिया है उसे व्यवहार विज्ञान कहा, व्यवहार विज्ञान, धर्म ध्यान यानी धर्म ध्यान से व्यवहार शुद्ध होता है, व्यवहार आदर्श होता है, आदर्श होता है, तो उन्होंने व्यवहार विज्ञान दिया, बराबर, निश्चय विज्ञान से मैं शुद्धात्मा हूँ प्राप्त होता है, और व्यवहार विज्ञान से व्यवहार आदर्श होता है, बराबर। अभी वो आदर्श कैसे होगा, उनको ज्ञान नहीं है, बाहर के लोगों के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यवहार विज्ञान इतना ठोस दिया है, पक्का दिया है, स्पष्ट दिया है, कि अगर वो व्यवहार विज्ञान को भी समझ लेना तो उससे व्यवहार इतना ऊंचा हो जाएगा कि फिर वो ऊंचे व्यवहार से उनको आगे का मार्गदर्शन मिल ही जाएगा, मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन आज व्यवहार इतना नीचे गिर गया है कि हम अब क्या मान नहीं सकते, क्या बात है, ऐसा होता है, देखते हैं तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक घर में शांति नहीं है, बोलो, लेकिन अगर ये व्यवहार विज्ञान प्राप्त होता है, देखो उन्होंने क्या दिया है वो हम देखते हैं। एक तो त्रिमंत्र दिया, बिल्कुल, त्रिमंत्रों को क्या बताया, संसार विघ्न निवारक, संसार विघ्न निवारक मंत्र, निष्पक्षपाती दादा भगवान त्रिमंत्र, मतलब क्या है, संसार में आज बाधाएं कितनी आती है, कदम कदम पर बाधाएं आती पर बाधाएं, अभी वो बाधाओं को निकालने के लिए, विघ्न को तोड़ने के लिए उन्होंने ये मंत्र दिया है,
और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मंत्र में हमने इतनी शक्ति डाली है और ये मंत्र को हमने सिद्ध किया है, इसीलिए ये जो कोई ये मंत्र का आराधन करेंगे ना तो उनके संसार के विघ्न टल जाएंगे। साथ साथ बोले निष्पक्षपाती है, ने ये निष्पक्षपाती मंत्र होने के कारण वह निष्पक्ष होते जाते हैं, यानी मोक्ष के लायक होते जाते हैं, ज्ञान के लायक होते जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लायक होते जाते हैं और संसार की परेशानी दूर होती है, तो ये दोनों काम हो जाते हैं। फिर ये बताया कि ये समय में लोग पूर्व विराधक है। पूर्व विराधक का मतलब क्या है? पहले विराधना करके आए, गलती करके आए, और विराधना का मतलब क्या है? मोक्षदाता पुरुष, बड़े बड़े पुरुषों जिनका मार्गदर्शन हमें चाहिए, उन्हीं की अवहेलना की है, उन्हीं का टेढ़ा मेढ़ा बोले है और उसके परिणाम से वे उनको मिल नहीं सकते। जैसे कि मैं मेरी बात करूं, दादा भगवान हमारे पड़ोस के घर में 77 से आते थे, 77। अच्छा। और मैं मिला 82 में। अच्छा। मैं ऐसा सोचता हूँ 5 साल मुझे क्यों पहले नहीं मिले, अभी 5 साल पहले मिलते तो कितना लाभ नहीं होता। और हाँ, लेकिन पड़ोस वाला घर 10 फुट दूर वो घर है हमारे घर से। वो क्या बताया कि दादा 2 बार आ चुके थे 77 में और बीच में एक और भी बार, तीसरी बार जब आए 82 में तब मैं मिला। मैं ऐसा अपने आप को क्या बोले सौभाग्यशाली कि देखो आप 77 से आते थे लेकिन आपकी गलती के कारण आप उनको मिल नहीं पाए, वरना 10 फुट दूर दुनिया के लोग, हमारे सारे इलाके के लोग, जो बिल्डिंग के लोग थे सब लोग मिले, उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिए। और मैं विराधना क्या करती है, जब ऐसे पुरुष आपके निकट आते हैं ना तो विराधना आपको धक्का मार के कहीं दूर ले जाती है। अच्छा। वैसे ही मैं कहीं चले गया होगा और जब दादा वहां से गए तब मैं वापस आया और लोग बोले अरे यार कहाँ चले गए थे, मैं बोला अरे वो काम हुआ था, वो काम इसके लिए ऐसा गया है। लेकिन मूल में विराधना काम करती है, ये विराधना का दोष बहुत बड़ा है। इसीलिए दादा भगवान ने नमस्कार विधि दी है, नमस्कार विधि। पहले तो दादा भगवान की साक्षी में शिवेंद्र स्वामी को नमस्कार 40 बार, और वो 40 बार नमस्कार करने से साक्षात शिवेंद्र स्वामी भगवान हाजिर है, और उनको आप 108 बार नमस्कार करें ना, वो 40 बार दादा की साक्षी में करने से फल मिलता है। बोलो, यानी दादा का प्रकट योग जो है ना वो बहुत बलवान है, योग बल। हाँ, बहुत सबसे बड़ा यश नाम कर्म है, जैसे ऋषभ देव भगवान का यश नाम कर्म है ना, वो सारे अर्धकाल चक्र चला, अभी भी चालू है, कोई भी शिवेंद्र कोई भी तीर्थंकर भगवान, यानी अभी तो सिद्ध हो गए 23 तीर्थंकर भगवान बाद में हुए ऋषभ देव भगवान के बाद, लेकिन सभी के सामने आरती ऋषभ देव भगवान की होती है। ऋषभ देव भगवान बोलो, यानी उसी तरह से दादा भगवान पहले तीर्थंकर आने वाले, जैसे आदिनाथ ऋषभ देव भगवान थे, तो हम अनुमान से कह सकते हैं ना, ये सारे अर्धकाल चक्र, भविष्य के अर्धकाल चक्र में, सारे द्वापर में बाकी के जो 23 तीर्थंकर भगवान आएंगे उनके सामने दादा भगवान की आरती होने वाली है, होने वाली है, तो उनका यश नाम कर्म कितना लंबा है, तो उसका लाभ लेना है। इसीलिए ये नमस्कार विधि साक्षी में, शिवेंद्र स्वामी भगवान की साक्षी में, और तो और दादा भगवान को आने के लिए अभी करीबन 82,000 साल बाकी है, यहाँ भारत क्षेत्र में इधर ही आने वाले है। और शिवेंद्र स्वामी प्रभु का आयुष्य 2.25 लाख का आयुष्य बाकी है, 2.25 लाख का अभी। हाँ, और तब भारत में 7वें तीर्थंकर भगवान आएंगे, तब तक वे होने वाले हैं शिवेंद्र स्वामी भगवान। अच्छा। और दादा की साक्षी में जिन्होंने शिवेंद्र स्वामी भगवान का नमस्कार किया तो उनका कहीं ना कहीं ठिकाना हो ही जाएगा मोक्ष का। सही है। अगर दादा भगवान से नहीं हुआ, शिवेंद्र स्वामी भगवान को वहां नहीं गए, दादा भगवान से हो जाएगा। दादा भगवान से नहीं हुआ, जैसे
तीसरे तीर्थंकर भगवान सुपार्श्व स्वामी करुण दादाजी के बारे में बताया है, उनसे होगा। अगर वहां छूट गए तो सातवें तीर्थंकर भगवान उदय स्वामी जो चंद्रकांत भाई थे दादा भगवान के साथ, और सबसे बड़ी बात ये भी है, एक मिनट, उन्होंने बताया है हमारे हाथ के नीचे हमारे से 9 तीर्थंकर भावी तीर्थंकर तैयार हुए हैं, उनमें से वो एक उनमें से वे एक, उन्होंने 2 का नाम लिया, यानी 3 समझ में आए, और 6 का नाम उन्होंने दिया नहीं है। अच्छा। लेकिन वे 6 है। मूल बात यह है कि जब शिवेंद्र स्वामी भगवान हाजिर है तब तक यहाँ भरत क्षेत्र में 3 तो पक्के हैं, दादा भगवान खुद, सुब्रत स्वामी, और तीसरे उदय स्वामी, सातवें तीर्थंकर भगवान, बाकी के जो है वे, लेकिन ऐसी बात है 3 तो पक्के हैं। तो ये जो नमस्कार विधि दी है उसका फल ये मिलता है। अभी 9 कल में दी, आदर्शता प्रकट करने के लिए 9 कलम इतनी उपयोगी है कि आप सोचोगे 9 कलम अगर आपके चारित्र में है, आपके व्यवहार में है, कहीं पर आप 9 कलम भंग नहीं करते तो आप कैसे होंगे, संपूर्ण आदर्श। तो ये दिया 9 कलमों का विज्ञान दिया, 9 कलमों की आराधना दी, प्रार्थना दी। फिर ये हो गया। अभी चौथा, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, उत्तम प्रतिक्रमण। कहा रात को सोते वक्त एक बार करना, तो आप दोष के प्रतिक्रमण भी करते हैं और अंदर निहित प्रार्थना भी रखी है कि भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, यानी आपने ये प्रार्थना के द्वारा माध्यम से आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर दी, भेदभाव मिट जाए, अभेद स्वरूप प्राप्त हो। तो ये हो गया। और फिर कहा दादा भगवान असीम जी जय करो, 5वां। अभी दादा भगवान असीम जी जय करो, दादा ने कहा कि अंदर के भगवान को जोड़ने के लिए सीधा रास्ता प्रकट के माध्यम से प्रकट हो सकता है, प्रकट के माध्यम से प्रकट हो सकता है। और ये दादा भगवान का यश नाम कर्म इतना बलवान है और इतने लंबे समय तक चलने वाला है, जो दादा भगवान असीम जी जय करो। दादा एक बार ऐसा हो गया था कि कोई आए दादा के पास, आइए दादा के पास आए, और दादा ने वो अपनी समस्या बताए, फिर दादा ने कहा आप ये असीम जी जय करो बोलना, उनसे तभी बुलवाया ऐसे बोलना है, फिर कहा आप हर रोज 10 मिनट बोलना। तो वो गए, फिर हफ्ता 15 दिन के बाद वापस आए, तो दादा ने उनको पूछा सब ठीक है, नहीं दादा अभी भी ये समस्या खड़ी है। फिर दादा ने पूछा वो दादा भगवान असीम जय जयकारो बोले थे, बोला नहीं। दादा भगवान ने क्या कहा पता है, अगर आप नहीं बोलने वाले होते तो मुझे बता देना था, आपके लिए मैं बोल देता। क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें सीधी प्राप्ति है, सीधे भगवान से तार जोड़ना, यानी बीच में कुछ आता नहीं है, कोई बीच में आ नहीं सकता है। दादा भगवान का यश नाम कर्म इतना बलवान है। एक बार ऐसा हुआ था, कोई भाई साहब आ गए थे, सभी प्रकार के दादा को मिले, लेकिन वो कहीं सुना होगा तो उनको ऐसा हो गया कि वो क्या जानते हैं करके, देखता हूँ मैं उनको नीचा दिखाता हूँ करके, ऐसा करके आ गए, टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछे, दादा ने तो सभी के बड़े अच्छे से जवाब दिए, फिर वो कुछ पूछ नहीं पाए, लेकिन बड़े परेशान थे। तो फिर दादा समझ गए, दादा ने तो जान लिया, तो बोले दादा को तो क्या है, जो उनके पास आया उनका काम होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। तो फिर धीमे से दादा भगवान ने कहा चलो ऐसा करो आप दादा भगवान असीम जय जयकारो बुलाओ, ये सब लोग बोलेंगे आपके पीछे पीछे। नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा। दादा ने कहा 10 बार
केवल 10 बार, चलो 5 बार, फिर बोला चलो 1 बार नहीं बोलूंगा मैं। दादा ने कहा एक बार दादा तो बोल दो, नहीं बोलूंगा। फिर एकदम से उठने लगे तो बोले नहीं नहीं बैठो बैठो, अरे इनके लिए नाश्ता पानी लो, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए करके निकल गए। दादा ने पीछे उन एक आप्त पुत्रों को भेजा और उनको कहा इनको नाश्ता करवा के ही ले जाना वरना आना नहीं इधर, ऐसा करके कह दिया। वो तो गए, दादा ने कहा यानी तो वो पीछे गए, पहले तो बहुत मना किया नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है करके, लेकिन फिर उन्होंने कहा देखो मैं अगर आप नहीं खाओगे तो मुझे वापस दादा के पास नहीं जा सकता हूँ मैं, मेरे लिए तो आप खा लो। पता नहीं वो क्या बोले, मान गए, नाश्ता करके गए। जब वापस आए तब दादा भगवान ने बात छेड़ी कि देखो मैं उनके घर गया, दरवाजा खटखटाया, मुझे दरवाजे पर ही खड़ा रखा, अंदर प्रवेश करने भी नहीं दिया। फिर दादा ने कहा अगर वो एक बार दादा बोल लेता ना, बोले मैं उसको उठा के मोक्ष में ले जाता, तो क्या बोलेंगे। ये समय के लोगों के पाप देखो कैसा है, पुण्य का ठिकाना नहीं है। ये साक्षात परमात्मा मिले और जो उनको सीधा उठा के मोक्ष में ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी दादा ने क्या कहा, वो गलती से भी हमारे पास आया है ना, चाहे वो दादा नहीं बोले, दादा बोल लेते तो वो सीधा उनका काम हो जाता, लेकिन हमको देख लिया है ना, अभी वो छूट नहीं करता, अभी उनका मोक्ष होकर ही रहेगा, उनको कहीं ना कहीं ज्ञान पुरुष मिल जाएंगे। बोलो ये बात। इसीलिए दादा ने ये जो व्यवहार विज्ञान दिया है उससे भी लोगों का काम हो जाएगा, जिससे व्यवहार आदर्श होने पर उनके आगे का मार्ग खुल जाता है। लेकिन आज व्यवहार में ही इतनी सारी गलतियां, असाधना विराधना ये जो सब बताया ना, जीवन में बाधा पीड़ा डाली है लोगों को, तो वो कहाँ जाएंगे। और ये सत साधनों में उसे शुद्ध व्यवहार चरण विधि बताई, त्रिमंत्र नमस्कार विधि नौ कल में, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना और दादा भगवान आसीम जय जयकारो, ये 5 प्रार्थनाएं वो पंचामृत जैसे काम करती है। और सत साधन इसलिए कहा कि जिस साधन के आराधन से सत की प्राप्ति होती है, सत की प्राप्ति होती है। बोलो, इतना अच्छा काम कर दिया है। इसीलिए हमें तो क्या है, हकीकत में दादा की यह भावना है कि महात्मा यानी जिनको उनसे ज्ञान मिला है, जिनको दादा भगवान का ज्ञान मिला है, वो अब उनका काम हो गया, उनको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं कि बिना क्या होगा करके। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोगों और लोग हैं ना, उनके कल्याण के बारे में सोचो, इसीलिए आपको लुण सिंह जी को आदर्श बनाना है, चारित्रवान बनाना है, शीलवान बनाना है, कि वो जहां भी जाए, बोलने की जरूरत नहीं है, जहां भी जाएंगे लोगों का काम होगा, ये बात है। बोलिए। तभी मैंने आपसे पूछा था कि भाई उन्होंने बताया कि भाई विज्ञान ही है सब कुछ, और जबकि दादा ने बताया कि विज्ञान और व्यवहार दोनों साथ साथ पैरेलल चलेंगे, तभी ये, लेकिन विज्ञान की ये समझ से आप निश्चय में रहकर व्यवहार को शुद्ध करते हैं, और व्यवहार को साथ इसलिए रखना है कि व्यवहार के बगैर आपका मोक्ष सिद्ध नहीं होता, उसको सिक्का नहीं लगता, और सिक्का लगने के लिए लुण सिंह जी पक्के होने चाहिए, और ये मार्गदर्शन दिया है, बहुत बढ़िया ऐसा है। और बोलिए। साथ नहीं हो तो वो चक्र पूरा नहीं होता, उसका
का मतलब क्या है, अभी जगत में कुछ लोग ने ऐसा मान लिया है कि क्योंकि कलयुग है तो अभी निश्चय का द्वार बंद है, यानी मोक्ष तो जा नहीं सकते, तो वो शुभ शुभ में यानी शुभ कार्य करने में जुड़ गए हैं, उसके पीछे लगे हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मन वाणी काया का यानी जो सोचते हैं वो बोल नहीं पाते, बोलते हैं वो कर नहीं पाते। तो ये परिस्थिति में जो धर्म का आराधन करना चाहते हैं ना, वो परिणाम नहीं पाते, परिणाम पा नहीं सकते। तो बोले कि व्यवहार के पक्ष में पड़ गए, यानी निश्चय को हटा दिया। कुछ लोग जो निश्चय के पीछे पड़े हैं उन्होंने व्यवहार को हटा दिया, यानी व्यवहार को गौण कर दिया। गौण को क्या बोलते हैं हिंदी में? गौण ही कहते हैं ना, व्यवहार को गौण कर दिया। और जो व्यवहार के पीछे पड़े हैं बोले वो निश्चय को गौण कर दिया, क्योंकि बोले अभी निश्चय तो दरवाजा बंद है, ऐसा करके। दादा ने कहा दोनों गलत है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग व्यवहार और निश्चय साथ साथ है। वहां बाहर यानी जो बाहर बोलते हैं क्रम मार्ग में निश्चय और व्यवहार साथ चढ़ता है, लेकिन निश्चय और व्यवहार दसवें गुण स्थान में आके रुक जाता है, क्योंकि फिर वो करने से नहीं बढ़ते। अभी कृपा चाहिए, अभी कृपा प्राप्त होगी, दसवें गुण स्थान में आ जाते तब कृपा प्राप्त होती है, यानी तब उनको शुद्धात्मा का ज्ञान होता है, प्रतीति बैठती है, श्रद्धा बैठती है। इसीलिए कहते समकित तब प्राप्त होता है, वे बढ़ते हैं ज्ञान के आधार पर। इसीलिए ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष ऐसा कहा है, ख्याल में है? और अक्रम में ये समय के परिणाम से दर्शन ज्ञान चारित्र है, कृपा से दर्शन प्राप्त हो जाता है और आज्ञा में रहने से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और चारित्र और मोक्ष। बोलिए। तो इसके लिए ये बात कही है कि साथ साथ चढ़ता है और हमारा ज्ञान अलग हो जाता है, निश्चय सीधा बारहवीं में पहुंच जाता है और व्यवहार तीसरे चौथे से धीमे धीमे आज्ञा जैसे पालन करते हैं तो चढ़ते जाते हैं। और वही इसीलिए कहा दो पैर से चल सकते हैं, एक पैर से तो लंगड़ी करनी पड़ती है, फिर वो चाहे देना पैर हो वो देना पर निश्चय वाला पैर बताया जाता है, तो वो निश्चय केवल निश्चय से चल नहीं सकते, लंगड़ी करनी पड़ेगी। और कोई बाएं पैर करके बोलते कि नहीं व्यवहार व्यवहार ही सब कुछ है, निश्चय की जरूरत नहीं है, तो वो भी लंगड़ी करेंगे। लेकिन ढंग से चलना है तो व्यवहार और निश्चय दोनों चाहिए, और दादा ने वो स्पष्टता से बता दिया। और इस समय के अनुसार निश्चय प्राप्त करवा कर व्यवहार को कैसे ठीक किया जाए वो मार्गदर्शन कर दिया। बोलिए। वहां व्यवहार और निश्चय साथ साथ चढ़ते हैं, लेकिन तभी तो मनवाणी काय की एकता होने के कारण वहां काम हो जाता है। आज के समय में वो संभव नहीं है, क्योंकि मनवाणी काय की एकता नहीं है। कि इसकी जरूरत नहीं है व्यवहार की, आप तो सीधा रास्ता पकड़ो, आप क्यों वाया इधर से होके घूम के आते। उनका मतलब समझना है, वो हमने बताया ना आपको, वो समझ लिया तो वो क्या कहना चाहते हैं वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका उसकी उसको क्या बोलते हैं उसका उसके पीछे का रहस्य समझना पड़ता है, और समझेंगे तो पता चल गया वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन वो रहस्य बताए तो पता बताया नहीं, फिर आपको पूछना चाहिए, आपने तब उनको पूछा नहीं होगा। नहीं, और वो बोला ना, वो बोले और वो बोला ऐसा करके चले गए, तो अंदर अंदर रहा, लेकिन पूछे तो उसका समाधान होता है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आप भी कुछ पूछ सकते हैं। उसका मतलब क्या है, अभी अभी बात हुई
ज्ञान मिलने से व्यवहार और निश्चय का विभाजन हो जाने से व्यवहार शुद्ध हो गया, लेकिन आदर सोना बाकी है। उसका मतलब क्या है? व्यवहार शुद्ध होना यानी व्यवहार के पक्ष का आपका हस्तक्षेप बंद हो गया, आपका हस्तक्षेप बंद हो गया। इसीलिए अब व्यवहार में किसी का क्या बोलते हैं, किसी के हाथ में रहा नहीं है, वो कुदरत में चले गया, लेकिन आदर्शता बाकी है। तो इसीलिए अलग होने के बाद अभी आदर्शता क्यों लानी है? क्योंकि शुद्ध तो हो गया, अलग हो गया यानी शुद्ध हो गया, उनका हस्तक्षेप बंद हो गया, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आदर्शता इसीलिए लानी है कि आदर्शता से लोगों का काम होगा और आपका व्यवहार पूरा होगा, क्योंकि आज व्यवहार अधूरा है, अधूरा है ना, कमजोरी वाला है। कोई भी देखेंगे तो बोलेंगे क्या है, बात करते हैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा बात करते हैं, लेकिन बात करने का ठिकाना नहीं है, आचरण का कोई ठिकाना नहीं है, और सबसे कोई बोलते नहीं है, उनका चेहरा तो देखो ऐसा करके एक बात है। क्योंकि जैसे जैसे आदर्शता आती जाती है, चारित्र प्रकट होता है, और वो चारित्र प्रकट, वो चारित्र खुद बोलता है। फिर ये बात है। आदर्श क्या? क्या नहीं होता है? क्लेम तो होता होगा ही ना, होता नहीं होगा ही, लेकिन आज जो विज्ञान हमें मिला है वो कारण स्वरूप काम करता है, कार्य में नहीं आता है। इसीलिए हम कुछ भी बोलेंगे तुम्हारा कोई कोई ठिकाना नहीं है, क्या बात करते हो ऐसा करते हो। बात चलिए, आपकी बात चलिए, क्योंकि हम अंदर से क्या करते हैं और हम अंदर से विज्ञान हमसे क्या करवाता है वो कोई जानता नहीं है, ख्याल में है। और इसीलिए हमें थोड़ी धीरज रखनी है, क्योंकि हम कुछ भी बताना जाएंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, हमें स्वीकार भी करवाना नहीं है, क्योंकि जब प्रकट होगा तो खुद ही बोलेंगे, लेकिन आज प्रकट नहीं है। इसीलिए दादा भगवान खुद के लिए बोले कि जैसे हम बोलते हैं भरत क्षेत्र में वर्तमान में सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को निश्चय से अत्यंत भक्तिपूर्ण नमस्कार करते, यही पूछा था बताया आपको, यही यानी सुजानगढ़ में पूछा था, यही मैं हम सुजानगढ़ से आए ना, तो मम्मी के वहाँ एक बहुत विद्वान आए थे, बोलते ये कलयुग में कोई सर्वज्ञ होते नहीं है, तो आपने सर्वज्ञ क्यों लिखा है दादा भगवान के लिए? वो तो हमने दादा भगवान के मुख से ही सुना था कि हम कारण सर्वज्ञ है, यानी आज कारण का सेवन करते हैं, इसीलिए सर्वज्ञ होना पक्का है, इसीलिए निश्चय से मैं नमस्कार करता हूँ, कारण स्वरूप काम करता है, तो काम करने दो, लेकिन हमें हमारी स्पष्टता कर लेनी चाहिए, हाथ जोड़ देना चाहिए, माफ करना, फिर वो, लेकिन अंदर से ये काम कर रहा है और वो परिणाम आएगा, तब हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज हमें कोई समाधान भी देना नहीं है, आज तो हमें सिर्फ नीचे गर्दन मुंडी नीचे करके चले जाना है। शुद्ध निश्चय प्राप्त होने के कारण व्यवहार शुद्ध हो जाता है, यानी अब किसी का भी उसके उनके ऊपर व्यवहार पर हस्तक्षेप रहा नहीं, लेकिन आदर्श चल लगेगा। आदर्श यानी आपके मनवाणी का ऐसे किसी जीव को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता है, शुद्ध होने के बाद आदर्श होता है, और दादा ने जो रास्ता दिखाया है उससे वो हो रहा है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, इसीलिए इसी इसको 11वां आश्चर्य बताया, और लोग उलझते रहते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है,
अरे नहीं देखा है इसीलिए दस आश्चर्य में ये आता नहीं है, ग्यारहवा आश्चर्य ये तो विकल्प किए बगैर इसके अंदर टूट पड़ो बस, क्या बोलते हैं छलांग लगा दो। एक बात बड़ी अच्छी बताई दादा ने, बोले लोगों ने आज बहुत सट्टा खेला है, सट्टा खेलते पता है सट्टा का मतलब बारिश में हाँ बरसात में नहीं नहीं सट्टा खेला है, सट्टा सट्टा का मतलब क्या जुआ, हाँ बहुत जुआ खेला है और चुआ आग बन करके खेला है आज तक, बोले इतना मार खाया है, अरे एक बार एक और बार एक बार जुआ खेल लो इसके बारे में और कूद पड़ो अंदर, ये पार या उस पार वही होगा ना, ख्याल में आया, वहां बिल्कुल सोचे बगैर जुगाड़ खेले है सट्टा खेला है और यहाँ आके विकल्प करते हैं, बोलो ऐसा है, बोले इतनी बार जुगाड़ खेले हैं एक और बार खेल लो ना फर्स्ट एंड फाइनल करके, लास्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं लास्ट एंड फाइनल बोले, ये करके करके भी कोई इसके अंदर छलांग लगा दी ना वो तैर जाएगा, बोला मैं डूबने नहीं दूंगा ऐसा दादा ने कहा, क्योंकि मैं भी डूबा नहीं हूँ और मैं दूसरों को डूबने नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे शरण में आना पंगता है हमारी भावना है, लेकिन शरण में आए तो बोले जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, शरण में नहीं आए तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारी भावना है जरूर से ये बात है। उन्होंने कहा वो ये पैर को स्पर्श करना चाहिए बस, ये पैर को स्पर्श किया अभी वो मुक्त हो गए, बोलिए क्या बताएं। लोगों ने अंधेरे में विश्वास किया है और अंधेरे में कूद पड़े हैं और मार खाया है, उजाले में उनको भी शंका पड़ती है अब क्या करेंगे, उसके लिए ऐसा लगता है जो ऐसा बोला जाता है कि जो दूध का क्या बोले दूध का हाँ दूध का जला छाल भी फूंक फूंक के पीते हैं ना, ऐसी परिस्थिति है, अरे जरा पता नहीं चलता है, इसलिए कहते थे दादा कि देखो ये बात कोई बिल्कुल पागल है ना वो बोलेगा, ये बिल्कुल ज्ञानी है संपूर्ण ज्ञानी है वही बोलेंगे, आपको इतना तो विवेक होना चाहिए कि ये पागल है या ज्ञानी है, फिर भी देखो परिस्थिति ऐसी है, लेकिन जो श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया दादा के पहले जो ज्ञानी पुरुष आए उनके उनको भी बहुत सारी समस्या हुई थी, उनका भी बहुत लोग किसी ने स्वीकार नहीं किया था, अब भी उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो निर्देश करके गए कि ज्ञानी 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 मोक्ष के लिए ज्ञानी लगेंगे, जो आपको शिष्य बनाते हैं वो ज्ञानी नहीं है क्या बोलेंगे, जो आपको शिष्य बनाते हैं वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कभी शिष्य बनाते नहीं है, ज्ञानी उनके जैसे ज्ञानी ही बनाते हैं, इतना इतना प्रमाण भी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए क्या कहा है कि लोगों लोग उल्टी दिशा में गलत दिशा में इतने आगे चले गए हैं ना, बोले पलट कर देखने के लिए भी उनको कितने जन्म लग जाएंगे पलट के देखने के लिए भी, बोलिए इतनी विराधना की है क्या अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन ये परेशानी है ये बहुत बड़ी समस्या है, और कहा है अरे ये अक्रम विज्ञान विज्ञान खुला है कोई भी सोचे वगैरह अंदर टूट पड़ो क्या करे क्या जाएगा जाएगा क्या जाएगा, इतने इतना कुछ गवा के बैठे हैं तो बोले क्या जाने के लिए बच्चा क्या है आपके पास, उसे एक बार बोले हम गुजराती में बोलते हैं अखतरा करो, क्या बोलते हैं आप उसमें अखतरा करके देखो ना अखतरा बोलते हैं, यह खतरा मोड़ के देखो एक बार क्या होगा, इतना तो मार खाया है इसके पीछे और थोड़ा करके ऐसा है, बहुत स्पष्टता की है बहुत स्पष्टता की है। और बिल्कुल स्पष्ट विज्ञान इसमें कोई मीन मेक नहीं है,
कोई शंका को स्थान नहीं है, कोई विकल्प को स्थान नहीं है। इतना वितराग भगवंतों का सिद्धांत आज के भाषा में लोगों को समझ में आए, ऐसी सीधी सरल भाषा में। एक ही समस्या है, वो गुजराती में है, तो मैं भी कहाँ गुजराती जानता था, लेकिन अभी सुनते सुनते, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते मैं भी अभी। और नहीं तो आज ऐसा है ना, जैसे बहुत अच्छा आज ये ऑनलाइन है ना, गूगल है, अभी तो वो चैट जीपीटी है वगैरह सब, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बोलते हैं, इतना सारा आ गया है ना, आप कुछ भी एंटर करोगे ना तो आपको बहुत जानकारी मिलती है। और भाषा के लिए भी ये सब मिल जाता है, अगर गुजराती भाषा का आपने कुछ टाइप करिए ना तो वो आपको हिंदी करके देगा, जर्मन करके देगा, कुछ भी करके देता है। बोलो अभी ट्रांसलेटर आ गया। अभी आप सोचो कि दादा ने यही विज्ञान इतनी स्पष्टता से गुजराती में खुला किया है, अभी जिनको जानना है आराम से जान सकते हैं। एटलीस्ट वो उसका क्या बोले, एनालिसिस तो करे। एनालिसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्लेषण तो करे कि क्या बोला है। चलो ना, इतने सारे शास्त्रों को उन्होंने खोज निकाला लेकिन कहीं आत्मा नहीं मिला, और यहाँ पर दादा ने आत्मा का सब कुछ बता दिया है, कुछ तो है, तो ये विश्लेषण भी करके देखें क्या कहा है उन्होंने। बोलो, ऐसा है कहा तो बहुत सटीक है। हाँ, कहा तो बहुत सटीक है, बहुत बहुत, अरे इतना स्पष्ट कहा है ना, लेकिन है उसका समय। इसलिए दादा ने तो कहा है कि अगले 500 साल तक ये अक्रम विज्ञान, जो मूल वितराग विज्ञान है, वो उजागर किया है दादा ने, लेकिन वह अक्रम विज्ञान के स्वरूप में खुला हुआ है। अक्रम का मतलब क्या है, वो कृपा से काम होता है, विज्ञान तो विज्ञान ही है, और ये जिनको प्राप्त हुआ वो उनका काम होगा, ये बात है। तो ये प्राप्त होने के लिए लोगों को ये चाहिए, तो वो बोल के गए थे श्रीमद् राजचंद्र जी कि मूल मार्ग पर दृष्टि होने के लिए, पलट कर देखने के लिए बहुत समय निकल जाने वाला है, इतने जन्म लगेंगे, बैठे बैठे कुछ काम धंधा नहीं है और इतनी गलतियां कर दी है। उन्होंने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे हो कि विज्ञान तो विज्ञान में तो सीधा मोक्ष ही है, मतलब मोक्ष का मार्ग ही है, उसके अलावा व्यवहार इस जीवन में आपका कुछ नहीं, ठीक है, बराबर है। तो उन्होंने कहा कि आपको मोक्ष चाहिए या इस जीवन में आपको वैभव लेना है, प्राप्त करना है। फिर वैभव प्राप्त करना है इस जीवन में तो व्यवहार के साथ चलो, बराबर है। लेकिन दादा ने क्यों जो बताया है ना, ये विज्ञान ऐसा मिला है कि ये विज्ञान से संसार का वैभव भी मिलेगा और मोक्ष तो हाथ में लेकर चलेंगे, मोक्ष हाथ में लेकर चलेंगे और साथ साथ संसार का वैभव भी मिलेगा। एक ही बात बताइए कि दादा भगवान यार लोगों के पाप कर्म इतने है ना, वो पाप कर्म उनको समझने ही नहीं देता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो दीवार से टकराते रहते, सर टूट गया, खून निकलने आया, निकलता रहा है, फिर भी मानते कि नहीं मैं सही हूँ, क्या करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे में भी कुछ कुछ लोग मिले हैं जिनको एहसास हुआ कि बिल्कुल सही बात है, हमने इतने साल आराधना की, दीक्षा ली वगैरह, जो जो सब अनुष्ठान किया, साधना की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। अभी कोई कहता है कि एक घंटे में हम आपको मोक्ष दे देते हैं, तो इतने साल इतने जन्म गुजारे हैं, एक घंटे में क्या है लेना देना होगा, ऐसा है। तो लेकर चले गए, बोलो ये बात है, क्या कहेंगे।
साहब सतनाम जी मेरे साथ थे वहाँ पे, कहाँ तो वहाँ कभी ये सत्संग में वहाँ, हाँ हाँ, तो हम जब वापस आ रहे थे तो मैंने कहा ये ऐसे कैसे, ये तो थोड़ा डिफरेंस आ गया, याने कहाँ गए थे वहाँ, कोई महावीर जी करके हैं उनके यहाँ था सत्संग, यहाँ जोधपुर में, हाँ जोधपुर में, तो कौन थे, महेशानंद जी, अच्छा, तब इन्होंने कहा कि आपने तो अच्छा महावीर साय ने वो समझ में आया, वो लंबे से है ना वो, हाँ बोलिए अभी, तो वकील साहब ने फिर मुझे कहा, मेरे मामा जी है वकील साहब, अच्छा, तो इन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा है कि अपने तो दादा भगवान ने जो कहा है वो व्यवहार के बिना ये निश्चय अकेला बहुत मुश्किल है, व्यवहार के साथ चलेगा तभी जीवन परफेक्ट रूप से चलेगा, तो ये तो कहते हैं इन्होंने अलग धारा बना दिया, किसने किसने महेशानंद जी ने, उनका मतलब समझ में नहीं आया, मैंने बताया ना मुझे तो अभी एक ही समझ में आता है कि दादा ने सारा हाथी दे दिया है, पूरा हाथी दे दिया है, कोई पूंछ पकड़ के बोलता है कि यही हाथी है, लेकिन उसे गलत कहेंगे या सही है, पूंछ पकड़ के हाथी तो गलत ही है, नहीं सही है, लेकिन वो पूंछ पकड़ के पूंछ की बात करते हैं ना, इसीलिए हम हाथी का अनुमान नहीं कर सकते, ख्याल में है, हाथी का अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन जो पूंछ को समझते हैं कि ये पूंछ है और ये हाथी की ही पूंछ है, तो पूंछ में हाथी आ गया कि नहीं, आ गया, समझ में है, ऐसी बात है, लेकिन वो पूंछ हाथी की है ये समझ में नहीं आता है, और पूंछ के साथ ये हाथी की है वो समझ में नहीं आता है, तो फिर गुंजाइश खड़ी होती है, विकल्प खड़ा होता है कि ये क्या बात है, ऐसा है, इस उदाहरण देने के लिए ऐसा बोलता हूँ, ये स्वेटर बनाते हैं ना, बुनते हैं ना स्वेटर, तो मैंने पूछा किसी को ये स्वेटर बनाने के लिए कि इसको कहाँ से शुरू करना चाहिए, हाँ हाँ, लेकिन शुरू कहाँ से करना चाहिए, ये क्या बोलते हैं बाई को क्या बोलते हैं, हाँ नहीं 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 मैं ऐसा नहीं बोलता, बाई को बोलते क्या है, वो तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में, अच्छा बाई बाई, हाँ ये बाई है, ऐसा है कहीं से भी शुरू करो ये सारा स्वेटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप सोचो ना, आपने सीखा है कि यहाँ से शुरू करने का, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, आपने बुनना शुरू किया तो वो आ ही जाएगा, नहीं आएगा, समझ में आया, ये बात है, वितराग विज्ञान ऐसा है कहीं से भी पकड़ो, लेकिन वो वितराग विज्ञान होना चाहिए, और वो पकड़ लिया आपने तो वो पूरा आपको मिल ही जाएगा, अब क्या करें, लोगों ने उसकी एक ही बात को पकड़ के उसको पूरा माना है, लेकिन समझ अधूरी होने के कारण उसका लाभ नहीं मिलता है, जब समझ पूरी हो जाती है तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा, इसलिए बताया है श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया, एक अंश साता से लेकर, साता समझते हैं ना, हाथ से लेकर पूर्ण कामता यानी मोक्ष तक का जो समाधान ज्ञान विज्ञान समझ उजागर किया है ना, वो ज्ञानी पुरुष ही है, आप बोलिए, एक अंश साता से लेकर पूर्ण कामता मोक्ष की पूर्ण कामता का जो मार्गदर्शन है समाधान है वो ज्ञानी पुरुष ने दिया है, तो भी जो भी है जो भी करते हैं वो पूरा नहीं है, लेकिन अगर पूरा करना है तो केंद्र प्राप्त कर लो, केंद्र प्राप्त कर लेंगे
तो बाकी सब आ ही जाएगा। बहुत अच्छा दिया है। हाथी हाँ हाँ उसका कारण यह है कि रिलेटिव उसको ही रियल माना है माना था और उसके परिणाम से आज उसको रिलेटिव समझ के हम उसके पार नहीं जा सकते। यानी कि हम व्यवहार में आग्रह पकड़ खिंचातानी से ही जीते हैं। क्या पकड़ के रखेंगे? जो खुद खुद सरक जाने वाला है उसको पकड़ेंगे आप तो आपको भी सरकना पड़ेगा। ख्याल में आया? तो उसका स्वभाव को समझकर आप स्थिर हो जाओ, ये उसका मतलब है। ख्याल में आया? रियली स्वरूप को ही मानते हो और ज्ञान को ही मानना, व्यवहार को नहीं मानना, रिलेटिव को बिल्कुल नहीं मानना, इससे तो सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। क्या सोसाइटी खत्म हो जाएगी? हाँ बराबर है, सारे संबंध बाप बेटे को चाहिए, बराबर है, बराबर है, भाई बहन भी नहीं, कोई रिश्ता है ही नहीं, फिर तो ये हो गया शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा तो ये कैसे बैठेगा? व्यवहार के बिना तो बैठते ही नहीं। अभी इसका समाधान दादा ने क्या दिया है और उनका जीवंत उदाहरण यह स्पष्ट किया है उन्होंने। दादा भगवान बाहर से प्रेम स्वरूप थे और भीतर से वितराग थे। अभी बाहर का भी आप नाप नहीं सकते और अंदर का भी नाप नहीं सकते। ख्याल में आया? बाहर से प्रेम स्वरूप सभी को अपने लगते हैं, सभी को अपना लगता है, दादा भगवान मेरे, दादा भगवान मेरे, दादा भगवान मेरे, और अंदर से वो किसी के भी नहीं। इसका क्या समाधान करेंगे? बाहर संपूर्ण व्यवहार, अंदर संपूर्ण निश्चय। संपूर्ण व्यवहार यानी सभी के साथ प्रेम स्वरूप, किसी के साथ झगड़ा नहीं, और अंदर से किसी के भी नहीं, संपूर्ण वितराग। और ये भूमिका में हमें रखा है दादा ने। हमने अंदर का तो कर लिया है लेकिन बाहर का हम धक्का मारते रहते हैं, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप की जो चाबी उन्होंने दी है ना, वो हमें हजम नहीं होती है, वो हमें हजम नहीं होती है। वो क्या दिया है पता है? नंबर वन, सभी की व्यवहार सत्ता को मानकर भीतर के सर्वसत्ताधीश भगवान को पहचान लेना है। सभी की व्यवहार सत्ता यानी कोई भी इंसान है ना, वो मैं कुछ हूं करके मानते हैं, लेकिन उनके सामने मैं भी कुछ ऐसा मानता हूं कि मैं कुछ हूं। इसीलिए वो जो मानते कि वो मैं कुछ हूं, उसका मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ख्याल में आया? ख्याल में आया? उसका एक उल्टा एक उदाहरण देता हूं। मैं अपनी पकड़ के बैठा हूं, सब लोग पकड़ के बैठे ही है अपनी अपनी। मैं ऐसा कहता हूं, वो बहुत पकड़ रखते हैं। अगर मैं अपनी पकड़ नहीं छोड़ता, अगर मैं अपनी पकड़ नहीं छोड़ता और ऐसे पकड़ वाले कोई मुझे मिलते हैं, तभी तो मैं मेरी पकड़ में से छूटूंगा। ख्याल में आया?
कोई सीधा मेरी पकड़ को पकड़ेगा कि छोड़ देगा? सीधे आदमी मुझे मेरी पकड़ को छोड़ देने वाला है ना, बराबर है? तो वहां मेरी पकड़ निकलेगी कैसे, वहां से मेरी पकड़ निकलेगी कैसे? लेकिन मुझे कोई ऐसे पकड़ वाले मिले और वहां मैंने अपनी पकड़ छोड़ दी तो मैं छूट गया। दूसरी एक बात, मैं बहुत अहंकारी हूं, सामने वाले भी अहंकारी, सब लोग अहंकारी है। और अगर मैं किसी के अहंकार को स्वीकार नहीं करता और मैं मेरे अहंकार पर टिका रहता हूं, तो आप बोलो कि मैं जब ऐसा कहता हूं, मैं कहूंगा जरूर से ऐसा, अगर मैं करता हूं ये बहुत अहंकारी है। ख्याल में आया? मैं मेरा अहंकार छोड़ नहीं सकता, इसीलिए दूसरे वाले का अहंकार मुझे लगता है। अगर मैंने छोड़ दिया वो मेरे लिए उपकार करते हैं, ऐसा हो जाएगा, मुझे छुड़वाया। समझ में आया? हाँ बोलिए। लाइफ ही है, किन लोगों की नहीं, सभी की लाइफ है। लेकिन हमें जिनको स्वरूप ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, उनको अहंकार की पहचान हो गई है। अभी कोई ऐसा भी बोल सकते हैं, कितने स्वरूप ज्ञान लिए हुए हैं लेकिन सबका अहंकार नहीं गया, बात सही है, क्योंकि अभी समझने का बाकी है। अगर समझ लेंगे तो अहंकार रहा ही नहीं है हकीकत में, उसका भी एक समाधान कर लेते हैं। क्या बताया? मैं शुद्धात्मा हूं। एंटिटी को क्या बोलेंगे? दो चीज है, एक शुद्धात्मा है, चलो एक शरीर और शुद्धात्मा दो है, बराबर है। अब जब मैं कहता हूं मैं शुद्धात्मा हूं, तो शरीर से मुझे क्या लेना देना? मैं शुद्धात्मा हूं तो शरीर से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये व्यक्त क्या बोलते हैं, स्पष्ट होता है ना। अब क्योंकि अभी कर्म के फल खत्म नहीं हुए, अभी आ रहे हैं, तो कर्म के फल में भुगतान आता है, कर्म के फल में अवस्था आती है, संजोग आता है। लेकिन संजोग तो बहुत स्थूल है, लेकिन वो संजोग की सूक्ष्मता क्या है, आखिर का परिणाम क्या है? जैसे कि चाय निकल गई, आखिर में क्या रहा? पत्ती रह गई। तो बोले चाय का आखिर का परिणाम क्या है? तो बोले पत्ती। उसी तरह से कोई भी संजोग का आखिर का परिणाम क्या है? भुगतान। कोई बैठा तो बोले अच्छा लगा बुरा लगा, खाया तो बोले अच्छा लगा बुरा लगा, चले तो बोले अच्छा लगा बुरा लगा, सोए तो अच्छा लगा बुरा लगा। संजोग तो कितने सारे है, लेकिन परिणाम क्या है? दो ही है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। और ये दो चीज हजम नहीं होती है। अगर ये दो चीज हजम हो गई ना, आप ज्ञानी है, सही है। अभी क्या होता है, ज्ञान मिल गया मैं शुद्धात्मा हूं, अभी उसका मतलब क्या होता है, ये दो चीज बताइए। शुद्धात्मा का द्रव्य है, यानी वो जिस चीज से बना है, वो शुद्धात्मा का खुद का द्रव्य है, शुद्धात्मा द्रव्य बोलते हैं। शुद्धात्मा के खुद के गुण है जो प्रकृति के गुण से अलग है, शुद्धात्मा का खुद का द्रव्य है जो पुद्गल द्रव्य से अलग है, शुद्धात्मा के गुण है जो पुद्गल गुण से अलग है, शुद्धात्मा के गुणों की अवस्था है
वही शुद्धात्मा की अवस्था है। शुद्धात्मा की अवस्था का मतलब क्या है? शुद्धात्मा के गुणों की अवस्था। उसी तरह से पुद्गल के गुण है और पुद्गल के गुणों की अवस्था है, यानी द्रव्य गुण अवस्था कहेंगे या द्रव्य गुण पर्याय, वो सूक्ष्मता है। सूक्ष्मतम परिस्थिति अवस्था की सूक्ष्मतम स्थिति वो पर्याय है। तो द्रव्य गुण पर्याय आत्मा के बिल्कुल भिन्न है प्रकृति के द्रव्य गुण पर्याय से। अभी जो अवस्था आती है वो पुद्गल की अवस्था है, सही है। वो पुद्गल का आखिर का परिणाम भुगतान है, भुगतान है। तो कौन भुगतता है? पुद्गल भुगतता है। भुगतान आता है पुद्गल को, प्रकृति को बोलो, पुद्गल को बोलो। लेकिन पुद्गल से जुड़ी हुई जो एक बात है ना, कौन सी बात है? कि वो पुद्गल में अभी डिस्चार्ज अहंकार है। उन डिस्चार्ज अहंकार के कारण वो डिस्चार्ज अहंकार भुगतान का अहंकार है, इसीलिए वो भुगतान का भुगतने वाला कौन है? वो डिस्चार्ज अहंकार है। भुगतान का भुगतने वाला डिस्चार्ज अहंकार है। और वो डिस्चार्ज अहंकार व्यक्त कैसे होता है? वाणी द्वारा। नहीं यहाँ ये बजा, डिस्चार्ज अहंकार व्यक्त कैसे होता है? भुगतान का डिस्चार्ज अहंकार व्यक्त कैसे होता है? वाणी द्वारा। क्या बोलता है? मुझे अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बराबर है। अभी एक उदाहरण लेते हैं। जब मैं कहता हूं मुझे अच्छा लगा या मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको क्या लगता है किसको अच्छा लगा किसको अच्छा नहीं लगा? मैं बोलता हूं मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको क्या लगता है किसको लगा? मैं बोलता हूं मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको क्या समझ में आता है किसको अच्छा या बुरा लगा? आपको अच्छा या बुरा लगा? आप यानी कौन? करेक्ट, बराबर है। अभी वही बानी, ऐसी ही बानी जब लूण सिंह जी को आती है, भुगतान आता है, जो आएगा ही और आता ही रहता है, जो अच्छा बुरा करवाता है लूण सिंह जी को, तो उनका जो रहा बचा डिस्चार्ज अहंकार भुगतान का है, वो ये बुलवाता है मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे अच्छा लगा। तब हम जागृत नहीं रह पाते। तब क्या होता है? तब ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा। समझ में आया? लेकिन यही आवाज किसी और से आती है तो बड़ी सहजता से हम कहते हैं कि वो तो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन वही आवाज जब अपने मन वचन काय से आती है, यानी अपनी वाणी से आती है, तब पहचान लेना है ये इनको अच्छा नहीं लगा या इनको बुरा लगा। यानी लूण सिंह जी को अच्छा लगा, लूण सिंह जी को बुरा लगा, तो आप मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? व्यवस्थित का ज्ञान हमें जो मिला है वो हमें पचा नहीं है, अभी पचन नहीं हुआ। उसका मतलब क्या होता है कि ये जो भुगतान आता है वो भुगतान को अजागृति से भुगतने वाले बन जाते हैं। उसे मेरापन का पोतापनों की धुन है, पोतापन मेरापन। जो मेरा नहीं है उसे मेरा माना जाता है अजागृति से, अजागृति से। और इसीलिए उसकी असर हो जाती है, उसकी असर जाती है। और उसकी असर में भुगतान है लूण सिंह जी का, लेकिन
आपको भुक्ता भाव खड़ा होता है क्योंकि आपने उसका भुगतान किया जागृति से। करते नहीं है, आभास होता है, करते नहीं है, केवल आभास ही होता है, आभास ही होता है। ये भुक्ता भाव बहुत मुश्किल है पचन होने का। हकीकत में वो तो भुगतान पचन नहीं हुआ, इसीलिए भुक्ता भाव खड़ा हुआ। ख्याल में आया? स्वभाव वाले को भुक्ता भाव कैसे खड़ा हो सकता है? जिनको स्वभाव प्राप्त हुआ है उनको भुक्ता भाव खड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐ जागृति से भुगतान को अपना माना जाता है, मेरा करके, यानी मैंने उस भुगतान को भुगतान किया, मैंने भुगता, इसीलिए भुक्ता भाव खड़ा होता है। अभी वो भुगतान को अगर मैंने समझ लिया कि ये मेरा नहीं है, नामधारी का है, लून सिंह जी का है, हम मुक्त रहेंगे, भुक्ता भाव खड़ा नहीं होगा। फिर आप स्वभाव में ही रहेंगे। स्वभाव अजागृति से चूक जाने पर वो आभास परिणाम को अपने परिणाम मान लेते हैं। ये जरूरी बहुत सूक्ष्मता है, लेकिन उसको क्या बैठे बैठे आप आराम से समझ सकते हैं ऐसे तर्क करके। ये तर्क बुद्धि से नहीं करते, ये जो हमने ज्ञान मिला है तो ज्ञान से हम ये तर्क बुद्धि का उपयोग होता है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है। जब मैं कहता हूँ मेरा तो आप समझते नहीं दीपक आनंद का, जब आप कहते हो मेरा तो आपको आपकी अंतरात्मा दशा में आपको समझ लेना चाहिए कि जब मेरा कहते हैं वो लून सिंह जी कहते कि मेरा, तो जब लून सिंह जी बोलते हैं कि मेरा तो आप पीछे बोलो लून सिंह जी का, तो असल भुक्ता भाव खड़ा नहीं होगा और भुगतान को समझ पाएंगे ये लून सिंह जी का भुगतान है। और क्यों आया? तो बोले कर्मफल स्वरूप ही है। अभी सारे दिन में एक के बाद दूसरे संयोग आते हैं, एक के बाद दूसरा, अच्छा या बुरा लगता ही रहता है, लेकिन वो किसको लगता है वो हमें समझते जाना है। इसीलिए इसके बारे में हम उदाहरण देते हुए बताते हैं। वो फली को खोलने बैठे हैं आप, दाना कटोरी में डालते हैं और छिलके नीचे डालते हैं, तो जागृति नहीं रहती ना, तो बात करते करते गप्पे लगाते हैं ना, तो गप्पे लगाते लगाते दाने वो छिलके में डाल देते हैं और छिलका कटोरी में डाल देते हैं। मुझे नहीं, क्या करते हो आप? अरे हाँ, यहाँ भी ऐसा होता है। जब जब आप वो फली को छिलते हैं आपको जागृत रहना पड़ेगा, तब जागृत रहेंगे तो दाने को कटोरी में ही डालेंगे और छिलके को नीचे छोड़ देंगे। यानी संजोग संजोग पर हमें जागृत रहना है, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ये कर्म फल जो परिणाम है ना, वो चिकनाहट वाले है। इसीलिए कहा कि ये बर्फ जैसे, बर्फ ही बोलते हैं ना, बर्फ जैसे जमा हुआ कर्म है। इसीलिए जब वो संजोग में पिघलता है, यानी बर्फ पिघलता है, यानी उसका परिणाम आता है, तब बहुत परेशान करके जाता है, क्योंकि वो उसका भुगतान है ना बहुत छोटा होने पर भी तीव्र है। तीव्र यानी मेरापन वाला है, क्योंकि जितनी तीव्रता से मैं करके किया ना, उतनी तीव्रता से मेरा करके होता है। ख्याल में है? और अहंकार में तो क्या बोले, सातवें आसमान का अहंकार करके घूमते ना लोग, ऐसा तो इतना मैं करके किया है ना, वो सब मेरा करके, उतनी तीव्रता और चिकनाहट वाला मेरा करके आता है। तो भी जब तो मेरा कहता है तो तेरा बोल देने का, इसीलिए तेरा पंथी दिया है। समझ में आया? तेरा पंथी का रहस्य यह है कि जो तेरा दो मेरा नहीं है, मेरा समझ लो तो तेरे की झंझट मिट जाएगी। ऐसा है, क्या बोलेंगे?
पकड़ के मारेंगे मुझे। लेकिन ऐसी बात है, और यही हमारा काम बाकी है, इतना ही काम बाकी है कि ये जो आभास परिणाम अभी खुले होते हकीकत के परिणाम नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, इसीलिए अभी जो कुछ भी होता है वे केवल आभास ही होता है कि मेरा है करके, और हकीकत में हमारा नहीं है। स्वभाव जिनको खुला हुआ वो भाव अभाव से मुक्त हो गए, भाव अभाव उनके द्रव्य भाव है, द्रव्य यानी खाली होते हुए भाव है, खाली होते हुए अभाव है, ख्याल में आया? क्योंकि जो स्वभाव में स्थित हो गए बैठ गए हैं उनको भाव अभाव वो पुद्गल परिणाम हो गए, और वो द्रव्य परिणाम है यानी खाली होते हुए परिणाम है, चार्ज परिणाम नहीं है, ये बात है। इसीलिए श्रीमान राजचंद्र जी ने ऐसा कहा है कि ज्ञानी को कर्मबंध की भूमिका नहीं है, यानी ज्ञानी महात्मा को भी कर्मबंध की भूमिका नहीं है। कर्मबंध किसे कहते हैं? जिसे संसार में परिभ्रमण करना पड़े वो कर्म नहीं बने, नहीं बनते, क्योंकि अहंकार नहीं है, और अंतरात्मा दशा से जो कर्म बनते हैं आज्ञा पालन के आधार पर वो मोक्ष का परिणाम देता है। इसलिए मोक्ष ले जाने के लिए वो हमें सामान इकट्ठा करके देता है, वो सामान से पुद्गल चाहिए ना महाविद्या क्षेत्र जाने के लिए, तो पुद्गल कैसा होना चाहिए? संसारी पुद्गल नहीं है वो, संसारी पुद्गल नहीं है वो, पुद्गल कैसा है? पहला मन, मन कैसा है? दो ही दृष्टि वाला, आज्ञा में दो ही दृष्टि है, व्यवहार और निश्चय, तीसरी कोई मान्यता की का अस्तित्व ही नहीं है, समझ में आया? तो हमारा ये जो प्रतिष्ठित आत्मा आज्ञा पालन से बनता है, नया बनता है, वह मन दो ही दृष्टि वाला, दो ही मान्यता वाला, व्यवहार और निश्चय, बराबर है। अभी बुद्धि को देखते हैं, बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है, जजमेंट देती है कि क्या है। तो आज्ञा से हमने, दादा ने क्या जजमेंट दे दिया? जजमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? फैसला। हाँ करेक्ट। ज्ञान से, ज्ञान ने हमें क्या फैसला दिया? ये सब व्यवस्थित है, बराबर है। तो हमारे बुद्धि का फैसला ये एक ही हो गया कि ये सब व्यवस्थित है, ये है कि वो है नहीं, व्यवस्थित है, ये है कि वो नहीं, व्यवस्थित है। अभी ऐसी हमारी बुद्धि है। अहंकार क्या है? मैं शुद्धात्मा ही हूं, बराबर, और चित्त शुद्ध हो गया, कुछ अंश बाकी है उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन है, लेकिन मूल क्या है? शुद्ध चित्त वही शुद्धात्मा है, यानी हमारा जो बाकी रहा हुआ चित्त जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, ख्याल में है? बाहर का आपने निपटारा करीबन कर लिया, बाहर की झंझट इतनी रहने वाली नहीं है, संभव से निपटारा करते हैं ना, तो बाहर की झंझट होगी लेकिन वो औपचारिक होगी, चिकनाहट वाली नहीं होगी, औपचारिक ज्ञान अभी संभव से निपटारा नहीं किया ना, इसीलिए वो तभी आएगा, लेकिन तभी ये अभी है ना, वो पहाड़ समान था चिकनाहट, अभी वो चिकनाहट प्रतिक्रमण करके वो कंकर या मिट्टी समान हो जाती है, और वो जब परिणाम आएंगे तो वहां पर ये जो हम कर्म फल स्वरूपी भुगतान कहते हैं ना, वो अशुद्ध चित्त का है, यानी भटकता चित्त का है, वो कितना रह जाता है? बाहर के लोगों का तो नहीं जैसा, और जो अंदर का शरीर से घुटना नहीं, अंगूठे से सिर तक, वो इतना ही रहता है, यानी अपने शरीर से जुड़ा हुआ भुगतान का, जो बाहर से नहीं आता है, वेदनीय कर्म बोलते हैं ना, वो शरीर से जुड़ा हुआ वेदनीय कर्म रहेगा, चित्त बुद्धि अहंकार,
ये सामान के साथ हम वहां जाने वाले हैं, क्या फिक्र करते। इसलिए दादा ने क्या कहा, यही जन्म को ध्यान में रखो, आगे का मैंने सब पैकिंग कर दिया है और आपको कहीं ढूंढना जाना नहीं पड़े, मैं ही आपको ढूंढ लूंगा। बोलो अभी क्या फिक्र करने का, अभी संभालो सबको, सबको संभालो, बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ प्रेम स्वरूप के बीच हमें डाल देना है। और प्रेम स्वरूप के लिए क्या कहा, प्रेम स्वरूप कैसे हो सकते हैं, तो बताया ये मान्यता वाली दुनिया है, यानी व्यू पॉइंट वाली दुनिया है। तो क्या बताया, मान्यता को पहचानो, दूसरों की मान्यता को पहचानो, दूसरों की मान्यता को पहचानो, उनकी मान्यता से एडजस्ट हो जाओ, सामने वाले की मान्यता से एडजस्ट हो जाओ और सेंटर में रहो। क्या कहेंगे आप बताओ, सामने वाले अपनी मान्यता को पकड़ के रखते हैं, हम बोलते बहुत आग्रह रखते हैं, अरे आप अपना आग्रह छोड़ दो ना यार, आप अपना पकड़ के रखे, इसीलिए सामने वाले को पकड़ा है वो आपको हजम नहीं होता है। अगर आपको छूटना है तो आप अपनी पकड़ छोड़ दो, तो उनका उनकी पकड़ आपको पकड़ लगेगी नहीं, आप बोलेंगे बहुत उपकार किया आपने। समझ में आया, समझ में आया माता जी को जरा। रिलेटिव में जो पकड़ है ना, रियल में तो पकड़ है ही नहीं ना, बात सही है, लेकिन जब हमने तय किया है कि मुझे छूटना है, तो ये छूटना का जितना पक्का निश्चय होता है ना, तो धीमे धीमे प्रज्ञा शक्ति हमें छूटने का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि मुझे छूटना है, इसीलिए वो एक समय पर एक परिस्थिति पे ऐसा आके बताएगी, अरे देखो भाई आपकी पकड़ से छुड़ाने के लिए सामने वाले पकड़ वाले आएंगे तो ही आप छूट जाएंगे ना, सामने वाले पकड़ अपनी नहीं रखते, वो आपकी पकड़ से आपको कैसे छुड़वाएंगे, ख्याल में आया। इसीलिए सामने वाले पकड़ वाले हैं ना आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अपनी पकड़ छोड़ दो, छूटने के लिए निमित्त चाहिए, तो निमित्त कैसे होंगे, पकड़ वाले होंगे वो निमित्त बनेंगे या पकड़ वाले नहीं है वो निमित्त बनेंगे, ख्याल में आया। हाँ बहुत अच्छा है, आप उपकार मानेंगे कि बहुत अच्छा है, ये बात है, ये बात। अभी आखिर की झंझट क्या है, मेरापन, मेरापन की माया बहुत बड़ी है, और ये माया छूट गई काम हो गया, और ये प्रेम स्वरूप होने का ये रास्ता बताया, व्यू पॉइंट को पहचानो, व्यू पॉइंट को पहचानेंगे कभी शुद्धात्मा दृष्टि से रहेंगे तो ही व्यू पॉइंट को पहचानेंगे, फाइल का संभव से निपटारा रखा है तो आप सामने वाले से एडजस्ट होंगे, बराबर है, दोनों व्यू पॉइंट आ गए, व्यू पॉइंट को पहचानो, व्यू पॉइंट को एडजस्ट हो जाओ, आप सेंटर में हो जाएंगे, ख्याल करो, क्योंकि सेंटर में तो है ही, लेकिन ये दो व्यू पॉइंट से रहने से हमारा सेंटर सेफ रहा, सुरक्षित रहा, और सामने वाले का प्रेम स्नेह सब हम क्या बोलते हैं मिल जाता है हमें। एक बात बहुत अच्छी है कि जब दादा ऐसे रहते लोगों से तो लोग दादा को क्या बोलते हैं, दादा हम आपको बहुत याद करते हैं। दादा को दीपेंद्र से पूछा, दादा आप किसको याद करते हैं, मैं किसी को याद नहीं करता। हाँ लेकिन जब आप सामने आते हो तब बोले मैं मेरी पकड़ रखता नहीं हूँ, आपकी इच्छा अनुसार मैं चलता हूँ, इसीलिए मैं जो मुझे मिलता है ना उनको मैं इच्छा वरदान दे देता हूँ।
इच्छा, क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है, अभी मुझे आपके पीछे रखड़ना नहीं है और मोक्ष में जाना है, तो आप आपकी इच्छा से चलूं, वही मेरी मुक्ति है। बोलिए। तो ये बात है। फिर कहा, एक बार ऐसा हुआ था कि हमें कहा कि जाओ अभी आप, यानी वो भोजन करने बैठने ही वाले थे, तो बोला अभी जाओ आप और फिर से 3:30 बजे वापस आ जाओ, 11:30-11 को वो खाने को बैठते थे। हम निकल गए, हमें कहा, यानी हम निकल गए। नीचे उतरते थे तो हमने 2 महात्मा को आते हुए देखा, तो हमें अंदर से थोड़ी लालच बनी कि दादा इनसे बात करेंगे, दादा इनसे सत्संग करेंगे, तो चलो हम भी जाते हैं। हम पीछे पीछे गए। अभी दादा ने हमें कह दिया था, हमने पूछा, उन्होंने कह दिया आप जाओ, तो हम चले गए। और दादा वे आए, हम धीमे से पीछे आके बैठ गए थे। दादा उनसे बात करते थे, थोड़ी देर के बाद उनकी नजर हमारे पर पड़ी और बोले, ए आप लोग गए नहीं? बोलो। और फिर ऐसा कहा, कोई हमारे सामने से जाते हैं ना, ये हमें याद नहीं आते, बिल्कुल याद नहीं आते। वो याद करवाते हैं तो पूरा पिक्चर आ जाता है, यानी उनको राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष होने पर किसी की अनुपस्थिति में वो याद आते हैं, ख्याल में है? अनुपस्थिति में याद आते हैं। हाँ, लेकिन जिनको राग द्वेष नहीं है और दर्शन पूरा है, दर्शन पूरा है तभी राग द्वेष से छूटते हैं। तो वो पूरे दर्शन से जब वे सामने आते हैं, वो दर्शन से वो पूरा उनका देख लेते हैं। कई बार लोगों का नाम लेके दादा ने पुकारा है, वो कभी मिले थे, बोलो। ये बात है, यानी जाने के बाद कोई याद आते नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि उनका चित इतना शुद्ध हुआ है कि ये शरीर के बाहर जाता नहीं है। जय सच्चिदानंद। कभी कभी हमारी कोर्ट भी अटेंड करो। ये आपके मामा जी हैं कि आप उनके? भांजा। बोलो बोलो मामा जी, आपके भांजे बहुत अच्छे हैं, धीमे धीमे करके बहुत कुछ अच्छा। वही तो है, बहुत बहुत अच्छा, नहीं बराबर है, बिल्कुल सही है ये बात। तो ये प्रेम स्वरूप होने की ये चाबी हमें दे दी है, और परिणाम क्या है, बाहर से सब लोग हमें अपना मानते हैं, हम किसी के नहीं, यानी हम वितराग अंदर से। अभी ये दोनों एक्सट्रीम परिणाम है, जो संभव नहीं है, और लोग ऐसा ही मानते हैं, वितराग हो गए वो प्रेम स्वरूप कैसे हो सकते हैं, ख्याल में आया? लेकिन ये बात बोलिए। बोलिए वकील साहब। मुक्ति हाथ में दे दी है, उसका अनुभव कर लेना है, और भेदभाव करने के लिए या होने के लिए बहुत सारे संजोग आ सकते हैं, यानी हमें चुनौती देते हुए, हमारा इम्तिहान लेते हुए, कि जहाँ पर
बड़ी आसानी से भेदभाव हो सकता है, रह सकता है, बातें भी ऐसा कुछ कर लेंगे आप, लेकिन वहां पर जागृत रहकर हमें उसके प्रभाव में आना नहीं है, यही बात है। बोलिए। जैसे कि महावीर भगवान थे, उनके समय में 32 लोग थे जो खुद को कहते थे कि हम सर्वज्ञ है, हम तीर्थंकर भगवान है। महावीर भगवान किसी से भी उलझने गए नहीं, किसी से भी मैं सही हूं आप गलत हो करने गए नहीं, वे अपने में ही रहे। वे आप सोचो, उनको किसी के साथ भेदभाव नहीं था, लेकिन दूसरों को बहुत सारा था। ऐसा है। जो सर्वज्ञ हुए हैं, उन्होंने कभी जाके पुकार के किसी को कहा नहीं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वज्ञ हूं करके नहीं। वे थे तो है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जब उनका सर्वज्ञ पद खुला होता है, केवल ज्ञान खुला होता है, तब इंद्र महाराज सारे देव देवियां आके उनकी व्यवस्था करते हैं समूह शरण की, कि प्रभु को केवल ज्ञान हो गया है तो अभी उनके बोलने के लिए आयोजन किया जाए। बोलिए। और वो आयोजन से वो 3 ही शब्द बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है, शास्त्र बताता है। कहाँ चले? अरे वो तो आवाज़ ही आवाज़ है ना। क्या बताया? उपनेवा याने शुरू होना, ध्रुवेवा याने स्थिर रहना, खड़ा होना, ध्रुवेवा विघ्नेवा खत्म हो जाना, शांत हो जाना, जन्म पाना, विसर्जन होना और स्थिर रहना। पुद्गल के गुणों की क्या बोलते हैं, जन्म पाना यानी व्यक्त होना, वो गुण का विसर्जन होना, तत्व वैसा का वैसा ही, द्रव्य वैसा का वैसा ही, ख्याल में आया? क्योंकि विसर्जन, सर्जन और विसर्जन गुणों का है, होना, व्यक्त होना और अव्यक्त होना, तत्व वही का वही, ध्रुवता तत्व से है। और हम जो कहते हैं ना, मैं अच्युत हूं, ऐसा ध्रुव स्वरूप मैं अच्युत हूं, बिल्कुल स्थिर, ये बात है, ख्याल में आया? ये 3 वाक्य नहीं है, 3 शब्द, केवल 3 शब्दों का उनका दर्शन कैसा होगा केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में, क्योंकि ये तो मैं भी बोला लेकिन उसका वर्णन करना पड़ा मुझे, समझ आया? और वो सिर्फ ये बोलते हैं तो उनका दर्शन ऐसा है कि वो दर्शन के साथ, यानी दर्शन तो नहीं अभी, वो तो ज्ञान के साथ है उनका, तो वो ज्ञान के साथ ये 3 शब्द उच्चारित करते हैं, सैकड़ों लोग, लाखों लोग वही के वही दीक्षा ले लेते हैं, वही के वही ऑन द स्पॉट, ये 3 शब्द खत्म नहीं हुए कि झुक गए, दीक्षा ले ली। और कितनों को तो वही केवल ज्ञान, दीक्षा लियो केवल ज्ञान, दीक्षा लियो केवल ज्ञान, और कुछ लोगों को कुछ समय के बाद हो जाता है। 3 शब्द, ये 3 शब्द क्या है पता है? पुद्गल का वर्णन किया उन्होंने, किस तरह से पुद्गल का द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल से अलग है, और इतना ही बोलने से
सामने वाले को बात समझ में आ जाती कि प्रभु क्या कहते हैं, उनको पक्का हो जाते हैं, वो वही समर्पित दीक्षित हो जाते हैं। अरे क्या क्या बोलेंगे अभी। आप सोचो कि दादा भगवान जो बुलाते थे ज्ञान विधि में, वो कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन ये समय संजोग के अनुसार हमारे लोगों की ठीक, हमारे लोगों का ठिकाना नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना विस्तार से बोलना पड़ा। और कहते थे क्या, मैं बोलता हूं आप सुनिए, वो सुना हुआ आप बोलिए, आपका बोला हुआ आप सुनिएगा, और ये विधि में मेरा अनुभव आपका अनुभव हो जाता है। क्या बोले, और वो एक घंटा तक रहता है आपके साथ, पाप कर्म सब भस्मीभूत हो जाते। बोलिए, और परिणाम मैं शुद्ध आत्मा हूं हो ही जाता है। पहले जिनको ज्ञान दिया था ना चंद्रकांत भाई साहब, उनको तो सिर पर हाथ रखा था और 5 बार बुलवाया था मैं शुद्ध आत्मा हूं, वही उनकी ज्ञान विधि थी। वे कैसे होंगे अब आप सोचो, ये बात है, वे कैसे होंगे, ये बात है। इतने सारे प्रमाण दिए हैं ना दादा ने कि क्या बात करे, बोले ना, और कोई विकल्प, इसीलिए इधर उधर मत देखो कुछ, आखिर में दादा दादा करो, दादा को छोड़ दो। कितने लोगों का क्या क्या अनुभव है, ऐसी परिस्थिति, बोले कि जीवन और मृत्यु की जैसी परिस्थिति आ गई, और मैंने दादा को याद किया, बोले मुझे पता नहीं है काम मेरा हो गया, ऐसा है। और बोलिए वकील साहब, थोड़ा थोड़ा आता रहता है लेकिन परेशान करता है, बलगम थोड़ा थोड़ा, एक ही बार गया, मेरी तो जो आ गई। हाँ लोग देते कहाँ है, वो खुद पीते रहते हैं, मुझे नहीं पीते थे, तो मैं क्या करूँ फिर। बोलिए, मंगल करते, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावप्पणासनो मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। महात्मा के दर्शन करवा देना।